केंद्र में मोदी सरकार ने अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। जब पहले दिन हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी को केंद्र सरकार की ओर से लिफाफा मिला तो वे मंत्रालय का नाम पढ़कर काफी दुखी हो गए। जी हां, आपको बता दें कि खबर आ रही है कि जीतन राम मांझी जो हम पार्टी के नेता हैं उन्हें केंद्र सरकार में इस बार MSME का जो मंत्रालय है वो उन्हें इस बार सौंपा गया है, लेकिन उन्हें जब केंद्र सरकार की ओर से लिफाफा दिया गया तो वे मंत्रालय का नाम पढ़कर काफी दुखी हो गए थे। उन्होंने अपना माथा पीट लिया था। जीतन राम मांझी का कहना है कि मैंने कहा कि ये भाई कौन सा विभाग हमको मिल गया है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी को MSME का मंत्रालय दिया गया है। 2024 के 25 के बजट में MSME मंत्रालय का कुल बजट करीब 22 लाख करोड़ रुपए हुआ करता था। आपको बता दें कि मांझी ने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमको भी जब लिफाफा खोला तो हमने देखा कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का हमें मंत्रालय मिला गया है। माथा ठोक लिया कि आखिर कौन सा विभाग हमको मिल गया है। उस वक्त सब लोग जाकर प्रधानमंत्री से मिल रहे थे, हम भी जा रहे थे मिलने के लिए, लेकिन हम ये कहने जा रहे थे कि आखिर कौन सा विभाग हमको दे दिया है। लेकिन जैसे ही हमने एक कदम और आगे बढ़ाया, पीएम मोदी ने कहा कि मांझी जी, हम अपने कल्पना का विभाग आपको दिए हैं। मेरा सपना है, उसे पूरा करने के लिए आपको ये विभाग दिया गया है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने अपने बयान में आगे ये भी कहा कि यदि मैं संसद में रहता तो डंके की चोट पर इस बात को उठाता, नहीं तो कहते कि अम्बेडकर का नाम लेना बंद कर दीजिए। आपको बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री में विश्वास जताया और साथ मिलकर चुनाव लड़ा। ये बात भी कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने अपने बयान में इस बात का भी जिक्र किया। मंत्री बनने के बाद बिहार पहुंचे मांझी का जगह जगह अब स्वागत हो रहा है। ऐसे ही एक कार्यक्रम में मांझी ने अपने दिल की बात कह डाली और उनका यही कहना है कि जब उन्हें MSME का मंत्रालय दिया गया तब वे बेहद कहीं ना कहीं निराश थे, बेहद चिंता में थे और कहीं ना कहीं इस बात से ज्यादा निराश थे कि आखिर उनको ये मंत्रालय क्यों और कैसे सौंपा गया है।